स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रोटी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे वायरलेसली गाड़ी चार्जिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं गाड़ी को ही वायरलेसली कैसे चार्ज करें। तो वायरलेस के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप वायरलेस का इस्तेमाल करके वाईफाई इधर से उधर करते हैं, डेटा इधर से उधर करते हैं, वैसे ही बिजली ही इधर से उधर करते हैं। मतलब समझिए आपकी मोबाइल ही चार्ज हो जाए वाईफाई से, वैसे को हम लोग कहते हैं वायरलेस चार्जिंग। और निकोला टेस्ला जी ने इसका इजाद किया था। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, ये मैजिक हो कैसे जा रहा है, इसमें कोई तिगड़म नहीं है। आपको पता ही होगा ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, वो फिजिकली एक दूसरे को टच नहीं करते, अगर टच करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मतलब बिना फिजिकली टच किए, मतलब कंडक्टर वाइज, वो आराम से बिजली एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है। इसे कहा जाता है इंडक्शन। ना ये इंडक्शन का इस्तेमाल करके मोबाइल में आप ऐसा कर सकते हैं, एक कॉइल अपने चार्जर में लगाइए, एक कॉइल अपने मोबाइल में लगाइए और एनर्जी ट्रांसफ़र कीजिए। ये बेसिकली आपको अगर एकदम सिंपल समझना है, समझिए ट्रांसफार्मर में जैसा कॉइल होता है, ये ट्रांसफार्मर है विथ एयर कोर। सो साइंस के मामले में कोई तिगड़म वाली चीज़ नहीं है, नया चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग को पता है इसके बारे में और कई सालों से पता है। तो आप ये समझिए कोई भी टेक्नोलॉजी को लाने से पहले आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कुछ चीज़ अंतरिक्ष में टेस्ट करना चाहते हैं, अंतरिक्ष पे तो जाके टेस्ट नहीं कर सकते, तो आप चेंबर में टेस्ट करोगे, वैक्यूम चेंबर में टेस्ट करोगे या हाइपरलूप के अंदर डाल के टेस्ट करोगे, जो भी करना है आपको टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो वायरलेस चार्जिंग का अभी जो है मार्केट में टेस्टिंग बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि हम लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल बहुत बहुत करने लगे। दिन मतलब समझिए दिन रात मोबाइल डिवाइस में लगे रहते हैं, तो मोबाइल डिवाइस जब ख़त्म होता है तो मतलब समझिए बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो कंपनी ने उसका आंसर किया कि भैया वायरलेसली चार्ज करो, मतलब तार लगाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ से रख दो। कुछ कुछ तो ऐसा भी आता है कि एक दो मीटर तक आपका चार्जिंग करेगा, आपको टेंशन नहीं, मतलब आप बिस्तर पे आए आपका चार्ज हो रहा है फोन, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अब आप सोचिए, तो अगर आप किसी को भी टेक्नोलॉजी बेचना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना कितना जगह आप टेस्ट किया। बोलोगे मैंने 1000 टेस्ट किया है, हंसेंगे लोग आप पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लाखों करोड़ों मोबाइल बिके हैं, तो काफ़ी लंबा टेस्ट डेटा आ गया, सबको पता चल गया ये बिगड़ता है, यहाँ पे ये फायदा होता है। मतलब हर चीज़ में एक होता है बैलेंस, कहते हैं कि आप ये करोगे तो ये बेटर हो जाता है, ये लेकिन ये नुक्स खराब हो जाता है। ये बैलेंस करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए आपको डेटा सेट चाहिए, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड कर दी। और ये समझिए मोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ इंडक्शन पर रिलाई नहीं की, मोबाइल इंडस्ट्री ने ट्राई किया इंफ्रारेड सिस्टम भी का, जिसका मतलब आप समझिए कि आपका मोबाइल पे एक टाइप का सोलर पैनल लगा देंगे जो आपको नहीं दिखेगा, मतलब या तो बहुत छोटा होगा या आपको नहीं दिखेगा, और वो इंफ्रारेड से चार्ज होगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप ये समझिए कि आपके छत पे लगा रहेगा और वो जहाँ पे भी उसका कैमरा देखेगा कि यहाँ पे डिवाइस है, वो वहाँ पे इंफ्रारेड लाइट मारेगा, इंफ्रारेड आपको नहीं दिखेगा, आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो इतना सारा टेस्टिंग के बाद एक काफ़ी अच्छा हमारे पास नॉलेज डेटाबेस आ गया। तो इसे गाड़ी में हम लोग क्यों लगाना चाह रहे हैं, आ गया ठीक है मोबाइल के लिए ठीक है, तो हम लोग गाड़ी में क्यों लगाना चाह रहे हैं। गाड़ी में ये समझिए कि चार्जिंग, अभी गाड़ी में इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो बहुत फजीहत है। आप ये समझिए कि आपको महिंद्रा दे देता है तो महिंद्रा खुद ही चार्जर दे देता है गाड़ी के अंदर कि भैया ठीक है कहीं आपको प्लग तो मिल जाएगा। मतलब चार्जिंग का जनरली आइडिया ये होता था कि चार्जर जो है वो आपके मतलब घर में लगा हो या आपके स्टॉप्स में लगा हो, गाड़ी में ना रहे, क्योंकि चार्जर का एक डेड वेट लेके चल रहा है घर से उधर, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक कार आया तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो आपको एक एग्जांपल देने के लिए, ये देखिए तीन तरह के पॉपुलर प्लग हैं, बहुत सारे और भी हैं, ये तीन पॉपुलर है। तो इसमें एक है प्लग जो एसी चलता है, दूसरा है जो एसी प्लस डीसी है, तीसरा है जो शिफ्ट डीसी है। तो आप समझ सकते हैं कितना तिगड़म है। इसीलिए मतलब अगर मान लीजिए कल को टाटा कोई गाड़ी बनाता है वो भी शायद अपना अपना चार्ज केबल बना दे, महिंद्रा वाला नहीं चलेगा उसमें। तो बहुत ज़्यादा फजीयत हो जाने से कि मतलब पेट्रोल गाड़ी में आप नहीं सोचते ना कि मेरा ये निसान है या मेरा टाटा है, आप जाते हो पेट्रोल पंप में डालते हो काम खत्म, ऐसा इसमें ना हो पाने के कारण काफ़ी फजीयत हो गया। और इससे मास अडॉप्शन पे काफ़ी असर पड़ता है कि लोग कन्वीनियंस चाहते हैं, लोग चलो इलेक्ट्रिक कार को संभाल भी लेंगे, मान लीजिए उनको ऐसा है कि आए पार्किंग लॉट में रखिए आराम से कनेक्ट कर लिए चार्ज हो गया पूरा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब वो पार्किंग लॉट में यार बोले अरे ये वाला तो मेरे वाले है ही नहीं, मेरा लगेगा ही नहीं। मतलब समझ सकते हैं कि इस फजीयत के चलते इस मास अडॉप्शन इसका नहीं हो पा रहा है। अगर वायरलेस हो जाता है तब तो बल्ले बल्ले। और फिर आप ये समझिए, आप किसी भी चीज़ को आप लोगों को बेचना चाहते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, यही है एप्पल का सीक्रेट। एप्पल ने सिंप्लीफाई कर दिया अपना हर चीज़ को, मतलब कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा ही भावना में बह गए लेकिन जनरली कहिए ओवरऑल सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये अगर आपके इसमें किया जा सके, क्या बोलते हैं आपके गाड़ी में कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कर दिया, कि आप गए पार्किंग स्पॉट पे आपका गाड़ी अपने चार्ज हो गया, आपको सोचना ही नहीं, आप गाड़ी से निकले चाबी बंद किए गाड़ी अपने आप चार्ज होने लगा, आपको मोबाइल में मैसेज आ जाएगा चार्ज फुल। आप घर में गए गैराज में रखे गाड़ी आराम से आपका चार्ज हो रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको सोचना ही नहीं, आपका काम खत्म, मतलब आप गाड़ी गैराज में रखे वो चार्ज हो गया। समझ सकते कितना सिंपल हो जाएगा हमारा ज़िंदगी। फिर
वो तो एक बात हुआ कि गाड़ी में आप इलेक्ट्रिक चार्ज लाएँ, फिर आप काफ़ी लोग सोचने लगे कि अगर वायरलेसली हम लोग ऊर्जा इधर से उधर कर सकते हैं तो क्यों ना रोड में ही डाल दिया जाए, ऐसे करके रोड के अंदर ही क्यों ना डाल दिया जाए। तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैंने नीचे वीडियो दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि रेंज का जो सब लोग रेंज 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 कहते हैं, जैसे महिंद्रा का जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ईवो करके, उसका रेंज 100 किलोमीटर है, 100 से 120 किलोमीटर का रेंज देते हैं। सुनने में बहुत कम लगता है लेकिन आम आदमी उतना नहीं चलाता। जितने भी लोग मुंबई बोल रहा हूँ बैंगलोर में चला रहे हैं सब खुश हैं, क्योंकि बोलते 30 किलोमीटर से ज़्यादा चलाता नहीं हूँ दिन में, मतलब क्या कर रहे हो, टैक्सी भी उतना नहीं चलता है। तो आराम से उनका काम चल जाता है और आराम से ऑफिस में चार्ज करने में लगा देते हैं या घर में चार्ज में लगा देते हैं। लेकिन मान लीजिए फिर सब लोग बोलते हैं अरे मान लो बैंगलोर से गोवा जा रहे हैं गाड़ी में, तो उस जगह पे आपका रेंज का समस्या खत्म हो जाता है। आपके गाड़ी में सिर्फ 10 ही किलोमीटर का रेंज हो तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रोड ही आपको चार्ज करता चलेगा। तो ये सब सिस्टम काम करता है, टेस्टिंग हो चुकी है, इसलिए ऐसा कोई मैजिक की बात नहीं कर रहा, ये हो सकता है, ये होता है। मतलब आप चाहें तो खरीद सकते हैं, चाहें तो अपने हाईवे में लगा सकते हैं और इससे सस्ती गाड़ी बनना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी का जैसे मैंने आपको बताया महिंद्रा का ईवो आता है, वो तो कहिए 5 से 8 लाख का आता है। तो 5 से 8 लाख के इसका जो पेट्रोल गाड़ी आएगा उसके कंपेयर में वो नहीं टिक सकता। मतलब अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिएगा, बाकी सबके चीज़ के हिसाब से देखिएगा तो वो देता है मतलब नैनो से थोड़ा बेटर, चलिए मतलब सस्ता सा अल्टो जैसा वो परफॉर्मेंस देता है, लेकिन दाम अल्टो से दुगुना है, तो मतलब समझ रहे हैं इसको बेच पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सस्ता गाड़ी बनने लग जाएगा, क्योंकि बैटरी छोटा कर देंगे, बैटरी छोटा कर देने से फ़ायदा है कि एक तो गाड़ी हल्का हो जाएगा यानी कम बिजली पे ज़्यादा दूर जाएगा, दूसरा दाम भी कम हो गया, तो मतलब समझ रहे हैं सबका फ़ायदा होगा उससे। और जिस टाइम ये हो गया मतलब रोड में इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मतलब कोई भी नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा, कोई दो मतलब सोचेगा नहीं पेट्रोल के बारे में। जैसे मान लीजिए हाँ, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, मतलब कल कुछ नहीं था आज सबको इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा है, लेकिन मतलब जैसे जैसे रोड पे रोड बनाने लगे उसके बाद ये टेंशन खत्म हो जाएगा, ये अडॉप्शन यूनिवर्सल हो जाएगा, मतलब हर कोई यही चलाएगा, किसी को फजीयत नहीं चाहिए। तो इस टोटल सिस्टम को ओवरऑल इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकली वायरलेसली चार्जिंग कार और इलेक्ट्रिकली वायरलेसली चार्जिंग रोड को अगर मिला के देखते हैं तो इसके फ़ायदे का सिंपल ये समझिए कि अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक सिस्टम ऐसा नहीं आया है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं पेट्रोल से सीधे सीधे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे वो उसका उम्र हो। जैसे मतलब आपको बहुत आराम से पेट्रोल गाड़ी मिल सकता है जो 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, रिपेयर जो लोग रेगुलरली करते हैं, खूब अच्छे से मेंटेन करते हैं, वो अनंत तक खींच सकते हैं जब तक उसका पार्ट बनता रहेगा। इलेक्ट्रिक में वैसा कर नहीं सकते क्योंकि गाड़ी में कुछ खराब नहीं हुआ, लेकिन बैटरी तो आपको हर 10 साल में बदलना पड़ेगा, कुछ कुछ में 20 साल में बदलना पड़ेगा, लेकिन बैटरी आपको बदलना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी सारा तिगड़म के बाद हिसाब नहीं आता है कि कुछ भी ऐसा है इलेक्ट्रिक गाड़ी में जो आप कह सकते हो कि नहीं यार इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लिया तो बस समस्या खत्म हो गई। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन बहुत भयानक है, मतलब अगर आपको रेस लगाना है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जब तक स्पीड पकड़ेगा तब तक पेट्रोल गाड़ी मतलब समझिए वो क्लच इंगेज कर रहा होगा, जब तक ये फुल स्पीड पकड़ चुका है आधा रेस कंप्लीट कर जाएगा तब तक लैम्बोर्गिनी भी आता है, मतलब बहुत तेज पिकअप होता है। तो आप समझिए सिर्फ वो चीज़ से आप तो नहीं बेच सकते ना, लेकिन आप बताइए कि आपने बोला ये गाड़ी खरीदी है ना सर सस्ता है, क्यों, क्योंकि बैटरी छोटा है, तो फिर लोग बोलेगा कि अच्छा इसमें क्या फ़ायदा है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है सर, अब बस अपना यहाँ मतलब जो भी कंट्री है जो भी लोग उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं बोलेंगे यहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग के लिए आप क्रेडिट खरीद लीजिए और आप गाड़ी चलाइए, सर आपको कुछ सोचना ही नहीं है बस गाड़ी चलाइए, बोला सर चार्ज का टेंशन मत कीजिए सर रोड ही संभाल रहा है, क्या टेंशन लीजिए। तो आप समझ सकते कितना बड़ा असर हो जाएगा हम लोगों पर कि मतलब गाड़ी है और आपको सोचना ही नहीं, मतलब एकदम फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, मतलब आपको लाइफ में असर दिख जाएगा कि अरे यार मतलब मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, खूब चलाता हूँ, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, मतलब पेट्रोल पंप तो जाता ही नहीं हूँ, मतलब आप समझ सकते कितना बड़ा आंसर हो जाएगा, अरे मैं गैराज में आता हूँ मुझे कुछ करना ही नहीं, मतलब गाड़ी सिर्फ मैं चलाने आता हूँ या मतलब कि हर साल में एक बार मैं ले जाता हूँ मेंटेनेंस के लिए। तो समझ कितना हम लोग का मतलब इससे सिंपल आप बना नहीं सकते। जैसे जैसे समझिए बस की बात कर रहा हूँ, ये बस में भी ट्राई किया जा रहा है, ये 200 किलोवाट का इंडक्शन चार्जर है, तो इसमें मतलब बस आया आराम से, मतलब जहाँ बस स्टॉप है वहाँ पे आराम से चार्ज हो रहा था, लोग चढ़े उतरे उस पर, ठीक है चला गया दूसरे जगह, कोई टेंशन नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो सब चीज़ को मिला के अगर देखें तो काफ़ी काफ़ी बड़ा क्रांति ला सकता है। तो अगर सब चीज़ तो इतना बढ़िया तो हर कोई कूद क्यों नहीं रहा, तो इसका कीमत भी है, इसका नुकसान भी है। इस नुकसान को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसे समझिए, जब भी हम लोग कहते हैं कि रोड है रोड है रोड है, हम लोग जो देख रहे हैं वो है सिर्फ समझिए ऊपर का तार का लेयर देख रहे हैं, जो गिट्टी और तार से बनाया जाता है, वो तो वो
रोड का दाम नहीं है, रोड का दाम उसके लिए नहीं लगता है, उसके नीचे बहुत चीज़ लगाया जाता है। जहाँ हाईवे बनाया जाता है पहले वहाँ ज़मीन समतल की जाती है, ज़मीन समतल के बाद गिट्टी बिछाया जाता है, गिट्टी के बाद सीमेंट वमेंट डाला जाता है या मिट्टी उट्टी डाल के कुछ भी करके उसको सील करते हैं, फिर उस पर पानी निकलने का व्यवस्था करते हैं कि बारिश में पानी जमा ना हो, फिर उसके ऊपर मतलब तारपिंग का फाइनली बिछाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सब दाम देखिएगा तो आपका रोड का दाम बहुत होता है, मतलब कई लाख रुपया पर किलोमीटर से लेके कई 100 करोड़ तक आ सकता है पर किलोमीटर। सस्ता चीज़ नहीं है, बहुत महंगा है। हम लोग तो सिर्फ ऊपर वाला देखते हैं, इसलिए देख के लगता है कि अरे इसमें क्या है, इसमें इतना खर्चा क्यों हो रहा है। लेकिन मेन बात है कि अगर हाईवे की बात करें तो वो जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि हाईवे टिक सके, आपका वजन ले सके, उस कारण से इसका दाम इतना ज़्यादा होता है। तो उतने महंगे चीज़ में अगर आप ऐसे खोद खोद के हर मतलब समझिए पूरा दूरी में 600-700 किलोमीटर में ये भी लगाने लगे तो बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब रोड का बजट जो बनेगा, जैसे मान लीजिए अभी रोड का बजट बनता है कि भैया ठीक है 1000 करोड़ रुपया दे दो, तब बनने लगे भैया 4000 करोड़ दो, तो नहीं तो रोड ही मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्योंकि समझिए ये जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं इसको ऐसा लगाना पड़ेगा, या तो पूरी तरह से अंदर कर देते तब प्रॉब्लम है, तो इसको निकालेंगे कैसे, अगर खराब हुआ टूटा या कुछ हुआ, और अगर ऊपर रखते तो जहाँ समझ रहे हैं वहाँ टूटने लगे, जैसे आप देखते ही होंगे कि जहाँ पे भी मैन होल कवर है उसके अगल बगल से रोड टूटने लग जाता है। तो समझ सके इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये बहुत महंगा हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि आप हर कोई अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में यही बोलता है कि भैया खरीद तो लेते हैं, जैसे महिंद्रा का भी खरीद तो लेते हैं और महंगा पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, जैसे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 5 साल हुआ, तब तक वो जो पैसा बचा, चूँकि मतलब समझिए बिजली बहुत सस्ती होती है और तब लोग को लगता है अरे यार ये तो सस्ता पड़ गया, मतलब जो जिन्होंने ईवो लिया महिंद्रा का, काफ़ी लोग मतलब हर कोई खुश नहीं है लेकिन 99% लोग खुश हैं कि भैया ठीक है गाड़ी लिया मैंने और मेरा काफ़ी पैसा बच गया, मैंने एक गाड़ी रखा हुआ हूँ कि कभी बहुत दूर जाना या कहीं इमरजेंसी में जाना धड़क से उसको लेकर निकल जाता हूँ, और ऑफिस जो डेली कम्यूट है उसको मैं इलेक्ट्रिक पे कर रहा हूँ। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो करते हैं और वो लोग खुश हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर ये वायरलेस चार्जिंग हर जगह लगाने लगे तो क्योंकि 100% इफ़िशेंट नहीं होता है, ये काफ़ी वेस्ट करता है। तो समझिए हर 100 चार्ज पे ये एक चार्ज बर्बाद कर रहे होंगे, मतलब कितना बिजली का ये पैसा दे रहे हैं, मतलब बिजली मीटर को पर 100 चार्जिंग पे ये एक का वर्क, और ये होगा अगर 99% इफ़िशेंट, जनरली उससे कम होता है इफ़िशेंट, जनरली 90% इफ़िशेंट, मतलब समझिए 100 चार्ज पे 10 चार्ज बर्बाद हो गया इनका बिजली, मतलब इन्होंने कही 10 चार्ज का बिजली बर्बाद कर दिया इन्होंने। और अगर उससे भी कम इफ़िशेंट है 80% समझ सकते हैं कि 100 बार आपने चार्ज किया आपने 20 चार्ज का ऊर्जा बर्बाद कर दिया। तो ये सबका एक सबसे बड़ा असर ये आता है कि इससे बहुत वेस्टफुल है ये सिस्टम, ये सुपर वेस्टफुल सिस्टम है। और इसका मैं आपको एक आइडिया देने के लिए, आप ये समझिए कि अगर आज जितने मोबाइल फ़ोन बिके हैं, यानी कि आईफोन की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए जितने आईफोन है जिसमें वायरलेस चार्जिंग है, अगर सिर्फ वही आईफोन सबके सब आईफोन वायरलेस चार्जिंग करने लगे एक टाइम पे, मतलब ठीक है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमेशा सिर्फ वायरलेस है, कोई प्लग लगा के नहीं कर रहा है, 200 मेगावाट का एनर्जी आप वेस्ट कर दोगे, सिर्फ वेस्ट कर दोगे। मतलब आपको लग रहा है 10-10 वाट है लेकिन कई 100 मिलियन बिकते हैं, मतलब कई 1000 करोड़ बिकते हैं इस तरह के फ़ोन। तो आप समझ लीजिए कि बहुत ऊर्जा बर्बाद हो जाए, जब वो 10 वाट की डिवाइस की बात कर रहा हूँ, गाड़ी सब तो 100-100 किलो वाट की होती है, तो आप समझ लीजिए 100 किलो वाट का 10% भी अगर बर्बाद हो जा रहा है वो बहुत है। और ठीक है एक गाड़ी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझिए सरकार को तो उतना लेना पड़ेगा कि अरे भैया ये पूरा शहर में सबको इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहा है, सब लोग वायरलेस कर रहा है, तो मतलब गाड़ी जितना है वहाँ तो 100 गाड़ी मतलब समझिए पर घंटे चल रहा है, तो हाँ भैया 10 गाड़ी का ऊर्जा एक्स्ट्रा दो इनको, नहीं तो वो चल नहीं पाएंगे क्योंकि ऊर्जा बर्बाद हो रहा है। तो ये सब का कारण से आप देखिएगा तो गवर्नमेंट की नज़र से या मतलब जो भी बिजली का पावर प्लांट है वो इतना एनर्जी उसको बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि इसको कॉम्पनसेट कर सके। एक दो गाड़ी में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मान लीजिए सबके सब लोग गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने, पता चला कि मतलब आप कई 1000 मेगावाट आप बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप खर्च कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, वो बस बर्बाद कर रहे हैं, सीधा सीधा आप नष्ट कर दे रहे हैं। तो अगर कोल पावर प्लांट से आ रहा था तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कहीं और से भी आ रहा है, मान लीजिए आप करें नहीं यार सोलर से हम बिजली, अरे सोलर पावर से आप जो ऊर्जा निकाला, आप मेरा पूरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं सोलर के बारे में, आप वो एनर्जी को बर्बाद क्यों करना चाह रहे हैं। मतलब एक छोटी सी कन्वीनियंस आपको मिलेगी कि हर जगह मतलब आपको चप्पलक का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन उस छोटी सी मतलब समझिए सेफ्टी के लिए, छोटी सी बेनिफिट के लिए आप लाखों लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा,
करोड़ों करोड़ मतलब एनर्जी बर्बाद होगा, और ये एनर्जी बर्बादी चलती रहेगी। मतलब जितना आप ये समझिए, इंडक्शन चार्जिंग में जितना वो नज़दीक रहता है, इंडक्शन चार्जर और अडाप्टर जितना नज़दीक रहता है उतना इफिशियंट रहता है। गाड़ी के केस में, रोड के केस में तो समझिए टायर और इसके बीच में गैप है, तो ये बहुत कम इफिशियंट होता है। तो समझ सकते हैं कि बहुत भरपुष्ट अमाउंट में ऊर्जा बर्बाद होता है, और एक दो से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप समझिए कि सबके सब लोग, कितनी गाड़ी होगी बैंगलोर में, कितनी गाड़ी होगी मुंबई में, ये सबके सब करने लगे तो पता चला कि मतलब पूरी मुंबई से ज़्यादा एनर्जी तो सिर्फ मतलब उनकी गाड़ी खाने लगी है। और ऐसा भी नहीं कि गाड़ी खा रही है, ठीक है तब तो कोई टेंशन नहीं है, चलो गाड़ी चल रही है, इधर से उधर जा रही है, नहीं, बर्बाद हो रहा है उतना एनर्जी। तो क्षमा कीजिएगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये इसका ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एकदम बढ़िया है। इसके एक चीज़ के बारे में आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि कितना बर्बादी होता है इसके चलते। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक वायरलेस कार चार्जिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में कमेंट लिखिए तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और मैं आपसे कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए #FutureFriday के माध्यम से, और अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।